बिग बॉस 10 के फाइनलिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बना चुके और देश भर में चर्चा में आ गए मनवीर को बिग बॉस में आने से पहले कोई नहीं जानता था, क्योंकि इस शो में आने से पहले तक वो आम आदमी थे। मनवीर के दोस्त सचिन ने उन्हें बताया कि बिग बॉस में ऑडिशन के लिए वीडियो बनाना है। दोस्तों के कहने पर 15 मिनट का वीडियो बनाया गया। सचिन ने वीडियो को खुद एडिट कर उसे 3 मिनट का बनाया, जिसे मनवीर की भतीजी कनिका ने अपने मेल आईडी से भेजा था। इसके बाद की कहानी दुनिया के सामने है। मनवीर ने एक आम आदमी की कैटेगरी में बिग बॉस 10 में एंट्री ली, लेकिन आज पूरे भारत का दिल जीत कर वो इस शो के विजेता बन गए हैं। शहर की मिट्टी में पलकर बड़ा हुआ देसी छोरा बिग बॉस के सीजन 10 का चैंपियन बन गया। मनवीर गुज्जर के बिग बॉस तक पहुंचने का सफर हैरान कर देने वाला है। दूसरे ऑडिशन में उनके साथ मौजूद अधिकांश प्रतियोगियों ने मनवीर को शो में एंट्री देने से मना कर दिया था। उसी मनवीर ने बिग बॉस के घर में 105 दिन बिताने के बाद नई पहचान बनाई है। नोएडा के आगापुर में रहने वाले 29 वर्षीय मनवीर DU से ग्रेजुएट हैं। उनके पूरे परिवार में कुल 49 सदस्य हैं। मनवीर के लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि 6 साल बाद बिग बॉस के घर में अपने पिता से मिले। मनवीर पेशे से किसान और एक डेयरी फार्म के मालिक भी हैं। मनवीर की राजनीति में भी रुचि है। नोएडा में वो आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए थे। मनवीर 6 फीट और 1 इंच लंबे हैं और उन्हें कुश्ती, कबड्डी और जिम करने का शौक है। मनवीर को लड़कियों का पसंदीदा कंटेस्टेंट भी माना गया है। अपनी सच्चाई और बिग बॉस के सभी टास्क पूरी डेडिकेशन से निभाने का यही नतीजा है कि आज बिग बॉस और पूरे देश पर मनवीर गुज्जर छा गए हैं। दिल्ली दर्पण TV ब्यूरो रिपोर्ट।